मैं आज बड़े आदर पूर्वक मेरी भावना को व्यक्त करना चाहता हूं कि जब युद्ध के प्रारंभिक दिन थे, भारत के हजारों बच्चे जो यहां शिक्षा के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, वो युद्ध के कारण फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालने में आपने जो मदद की और जिस संवेदनशीलता के साथ हमारी चिंताओं को आपने समझा और सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और उस संकट की घड़ी से निकल करके आए हुए उन बच्चों के, उनके परिवारजनों की तरफ से आपका आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आप भी बड़ी बात जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय हमने दो प्रकार की भूमिकाओं का रास्ता अपनाया और उस भूमिका को निभाने का हमने भरपूर प्रयास किया है। हमारी पहली भूमिका रही है मानवीय दृष्टिकोण की। ऐसे संकट की घड़ी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, जिन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत ने हो सका उतना एक मानवीय दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए पूरा करने का प्रयास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से भी जिस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और दो कदम आगे चलेगा।